उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। यहाँ पर दिया गया कि एत द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2019 का चयन परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया गया है। चयन परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। वहीं एक और विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। इसमें बताया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी अनुवादन टाइपिस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन परीक्षा 2018 का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। चयन परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स एवं अन्य विवरण आयोग की वेबसाइट UKPSC पर उपलब्ध है। इसी के साथ उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। ऐसे में नेहरू मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल बहादुरपुर जट में भी सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें सामाजिक विज्ञान के पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास BEd होना चाहिए, साथ ही TET सेकेंड उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके लिए अभ्यर्थी विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 3 सप्ताह यानी 21 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। इसी के साथ नेहरू मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल बहादुरपुर में बहादुरपुर जट में प्रधानाध्यापक के एक पदों पर भर्ती निकली हुई है, और इसके लिए भी पूरी यहां पर जानकारी दी गई है। और यहाँ पर दिया गया कि 21 दिन के भीतर जो है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अधिकारी के पदों पर आवेदन का अवसर, तो 252 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक C और D के पद खाली, तो 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पोस्टमैन डाक सहायक इत्यादि की भर्ती, तो भारतीय डाक विभाग में 256 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आवेदन का मौका, तो TGT PGT शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वन विभाग को मिले 999 वन आरक्षी, 331 महिलाएं शामिल। तो उत्तराखंड वन विभाग में वन आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने पूरी कर मंगलवार को 999 वन आरक्षियों की प्रथम चयन सूची वन विभाग को सौंप दी है। इनमें 331 महिला वन आरक्षी भी शामिल हैं। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि चयनित तो वन आरक्षियों को अपने अपने वन प्रभागों में 15 दिसंबर 2021 से पूर्व ज्वाइनिंग करना होगा। वन सहायक वन संरक्षक का परिणाम जारी, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2019 का परिणाम जारी कर दिया। सभी परीक्षाएं होने के बाद मंगलवार को आयोग ने 43 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी कर दिया। साक्षात्कार के बाद जनरल की कट ऑफ 461.28 अंकों पर रही, जबकि इससे पहले लिखित परीक्षा में सामान्य की कट ऑफ 384.27 अंक थी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से परिणाम देख सकते हैं।